गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर संस्कृत टीचर फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1, गोदुग्धम बुद्धि वर्धकम। गाय का दूध बुद्धि के लिए तेज होता है, यानी हमारी इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम गाय के दूध के लाभ पढ़ेंगे। गाय का दूध किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, किस तरीके से वो हमारी इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज करता है। वयम नानाविधम आहारम खादमः, हम सब विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। तेषाम आहारेषु गोदुग्धम बुद्धिवर्धकम पौष्टिकम रोगहारम शीतम मधुरम रसायन च अस्ति। इन भोजनों में गाय का दूध क्या करता है, बुद्धि को बढ़ाता है। क्या करता है, बुद्धि को बढ़ाता है। वो पौष्टिक होता है, रोगहारम यानी रोगों को दूर करता है, शीतन यानी ठंडा होता है, मधुरम मीठा होता है, और रसायन च अस्ति और जीवनदायक होता है। तो यहाँ पर गाय का दूध हमारी बुद्धि को तेज कर रहा है, पौष्टिकता को बढ़ा रहा है, रोगों को दूर कर रहा है। और इस तरीके से देखें तो इदं त्रिशान सम्यति चुगान च वर्धयति, और वह प्यास को भी दूर करता है और भूख को भी बढ़ाता है। तो गाय का दूध हमारी भूख को बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है, क्षुधांचा वर्धयति, भूखों को बढ़ा रहा है, हमारी भूख बढ़ा रहा है। वहीं दधि सर्वथा लाभप्रदम, दही सभी तरह से लाभदायक है। दही हमारे शरीर को ठंडा रखता है। दही क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, हमें हमारे शरीर को लाभ प्रदान करता है। इदं कृष्णाम अपहर्ति, और ये हमारे शरीर में से कमजोरी को दूर करता है। दधि नक्ताना भुंजीत, और दूध जो दही होती है उसे हमें रात के समय नहीं खानी चाहिए, दही को रात के समय ना खाएं। दिने अपि घृतेन मधुना शर्करया मुदग सुपेन आमलकेन वा संयुक्तम इदम आनिकान रोगान हरति। दिन में देखने की दिन में घी शहद शक्कर और मूंग की दाल सूप अथवा आंवले को साथ मिलाकर खाने से क्या होता है, ये अनेक प्रकार के रोगों को दूर करता है। दही कितने सारे काम कर रहा है, दही हमारे शरीर को किस तरीके से लाभ प्रदान कर रहा है, हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे शरीर को हमारे शरीर की कमजोरी दूर करता है। और इसे दिन में घी शहद शक्कर मूंग की दाल सूप अथवा आंवले के साथ मिलाकर खाने से ये अनेक प्रकार के रोगों को दूर करता है। तक्रम उदर रोगान दूरी करोती, तक्रम मतलब छाछ, उदर मतलब पेट, रोगान मतलब रोग, छाछ हमारे पेट के रोगों को दूर करता है। पांडु रोगे चा एदम विशेषेन हितकरम, पांडु रोगे मतलब पीलिया, अब पीलिया के रोग में भी विशेष रूप से लाभदायक है, नवनीतन बुभुक्षाम वर्धयति अरुचिम नस्यति हृदयान सबलम करोति। नवनीतम अर्थात मतलब नवनीतम का क्या अर्थ है यहाँ पर, मक्खन क्या करता है, भूख बढ़ाता है शरीर में, ये हमारे शरीर में भूख बढ़ाता है, अरुचि को दूर करता है, यानी अरुचि नाशयति अरुचि को दूर करता है, हृदयम सबलम करोति और हमारे हृदय को मजबूत करता है। घृतम स्मृतिम बुद्धिम शक्तिम चा पोष्यति वातम पितम जीर्ण ज्वरन चा नाशयति। अब घी हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, घी क्या करता है, हमारी बुद्धि हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, वात पित्त को और पुराने बुखार को दूर करता है। जैसे कि हमारे को कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो हम अच्छे से घी का सेवन करेंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। विधि पूर्वकम प्रयुक्तम घृतम सहस्र गुणितम लाभकारम भवति, और विधि पूर्वक प्रयोग करने पर घी हजार गुना लाभदायक होता है। अगर हम इसे विधि पूर्वक ना खाएंगे, हम इसे अगर तरीके से नहीं खाएंगे, मात्रा के अनुसार घी का सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे मोटापा भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर हम विधि पूर्वक घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे हजार गुना जो रोग होते हैं उसको दूर कर सकता है। मात्रा अनुसारम भोजनम कर्तव्यम, मात्रा अनुसारम भोजनम कर्तव्यम मतलब उचित मात्रा के अनुसार यानी सही मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए, न ज्यादा अधिक खाना चाहिए न ज्यादा कम, जो शरीर को लगे उसी आधार पर जो है भोजन करना चाहिए। अति मात्रम गृहितम अमृतम अपि विषम भवति,
और अधिक मात्रा में पिया गया अमृत भी विष होता है। इस तरीके से हमें भोजन हमेशा सही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।